करनाल में आज इनेलो नेता अभय चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जिला सचिवालय पहुंचकर कृषि किसान बिलों के विरोध में डीसी करनाल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और किसान कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि हमारी पार्टी ने सबसे पहले इन किसान बिलों का विरोध किया था। पंजाब में एनडीए से शिरोमणि अकाली दल के समर्थन वापस लेने के सवाल पर अभय चौटाला ने सरदार प्रकाश सिंह की तारीफ करते हुए उन्हें किसानों का मसीहा बताया। अभय चौटाला ने कहा कि सरदार प्रकाश सिंह बादल ने किसान कृषि बिलों के विरोध में सबसे पहले अपने पुत्र वधू से इस्तीफा दिलवाया, उसके बाद एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया। अभय चौटाला ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल ने अगर पंजाब में किसानों के हक की लड़ाई लड़नी है तो हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलता वह किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हरियाणा में मध्यवर्ती चुनाव के आसार के सवाल पर अभय चौटाला ने कहा कि अगर चुनाव होता है तो इन्हें ऐसा सबक मिलेगा कि बरोदा उपचुनाव में जगह जगह इनका विरोध हो रहा है। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद, एसीबी 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियां बढ़ाए। सबसे पहले जैसे जून के महीने में ये अध्यादेश लाए गए इस लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन की आड़ में कि लोगों को इस बात का पता ना चले, भड़क ना मिले, लॉकडाउन की आड़ में चुपचाप अध्यादेश ला करके किसान को कैसे मारा जाए, इसकी योजना केंद्र की सरकार ने बढ़ाई और प्रदेश की सरकार ने इसके ऊपर मोर लगाने का काम किया। साथियों, जो अध्यादेश ये लेकर के आए, हमने 22 के 22 जिलों किसानों के साथ कार्यक्रम बना करके हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हम डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों की भावनाओं के मुताबिक सरकार इस पे पुनर्विचार करे। अगर कोई पुनर्विचार सरकार ने नहीं किया, इस देश का अन्नदाता है अपने फिर घर में चैन से नहीं बैठ पाएगा। फिर 100% सरकार को मजबूर करने के लिए अपना घर बार खेत सब छोड़ करके आंदोलन पे उतारू हो जाएगा। और किसान जब भी आंदोलन करता है तो किसान फिर सरकार के आगे झुकता नहीं, किसान सरकार को झुकाने का काम करता है। क्योंकि किसान एक ऐसा आदमी है जो पूरे देश का पेट भरने का काम भी करता है, जिसके घर में पैदा हुआ बच्चा सीमाओं की पहरेदारी भी करता है। आज तो इस देश का जो पहरेदार है, जो जवान है, वो भी सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से दुखी और परेशान है। आज उस जवान को जहाँ सरहद की चिंता है, वहीं उसको अपने खेत की, अपने बाप की, अपने बच्चों की, अपने भविष्य की भी चिंता है। ये सरकार ऐसा कोई फैसला ना ले जिसकी वजह से उस पहरेदार को भी कुछ ना कुछ अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए कोई और कदम उठाना। श्रोमणि अकाली दल ने गठबंधन वापस ले लिया, आपको लगता है जेजेपी भी लेगी? श्रोमणि अकाली दल जो है वो सरदार प्रकाश सिंह बादल की पार्टी है और बादल साहब आज इस देश के अंदर अगर किसान की कोई बात करने वाला है तो या तो पहले चौधरी छोटू राम होते थे, जो सर छोटू राम की उपाधि से नवाजे गए थे, उसके बाद अगर किसान की किसी ने सूद ली तो चौधरी चरण सिंह ने ली, फिर किसान मसीहा के रूप में अगर किसी ने काम किया इस प्रदेश में, देश में, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। आज अगर किसान का किसी को हितेश इस देश में माना जाता है तो सरदार प्रकाश सिंह बादल का नाम सबसे पहली पंक्ति में आता है। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने आज न केवल अपने पुत्र वधू को ये कह करके कि आज किसान के खिलाफ सरकार गलत निर्णय ले रही है, हम इस सरकार का पार्ट नहीं रहेंगे, इस्तीफा दिलवाया, वहीं उसके साथ साथ आज क्योंकि बीजेपी को इस बात का घमंड है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए शायद अपने सहयोगियों की अनदेखी कर रही, तो जिस तरह से आज उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और श्रोमणी अकाली दल ने मिलकर के हरियाणा में चुनाव लड़ा, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं,
मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूँ और उनसे ये भी आपके माध्यम से कहता हूँ कि कोई पंजाब के अंदर किसी भी तरह की किसानों की लड़ाई आपने लड़नी है, हम एक एक साथी हमारा उनके साथ खड़ा होगा। हम संयुक्त रूप से अंदर देश के अंदर अगर किसानों के लिए कोई बड़ा एजिटेशन खड़ा करना पड़ा तो इस करनाल की धरती पे चौधरी देवीलाल ने और प्रकाश सिंह बादल ने, एक बार कांग्रेस ने एक रुपया गेहूं का बढ़ा करके किसान को अपमानित किया था। उस वक़्त ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने आंदोलन शुरू किया और उसके बाद सरकार ने उठा करके उनको जेलों में बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने जेल जाना पसंद किया, किसान के आगे सरकार के आगे झुकने के बजाय किसान के साथ न्याय कराने का काम किया। हम किसान को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं बैठा। हरियाणा की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा सर? हरियाणा की राजनीति से क्या उम्मीद रख सकते हैं? अगर येलो की पार्टी सत्ता में आती है, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो सबसे पहला काम ये होगा कि किसान के ऊपर जो कर्ज है, आज हमने अपनी मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी आज सत्ता में हैं जिन्होंने लोगों से वायदा किया था कि हम कोऑपरेटिव बैंक का जो कर्जा किसान के ऊपर है पहली कलम से माफ करेंगे। आज कहाँ गए वो लोग जो इस तरह के वायदे करते थे, जो ये कहते थे 5100 रुपये बुढ़ों को पेंशन देंगे, जो ये कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। आज उन लोगों ने कुर्सी के लिए सारी की सारी बातों को जहाँ धत्ता बता दिया, वहीं चौधरी देवीलाल को भी उन्होंने गिरवी रखने का काम केस बीजेपी के, लेकिन हम चौधरी देवीलाल को किसी के गिरवी रखने नहीं देंगे। हम चौधरी देवीलाल के उस आदर्श को फिर आगे बढ़ाएंगे जो उनकी एक सोच थी, उनकी सोच को आगे लेकर। आपको लगता है मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं? जो धान की खरीद की बात कह रहे थे कि हम कल से कह रहे थे हम खरीद शुरू कर देंगे, परसों से 26 तारीख से, आज 28 तारीख होगी, आज भी मैं पांचों मंडियों, जो चार मंडियों में इन्होंने कहा था कि हम धान खरीदने जा रहे हैं, उन चारों मंडियों की जानकारी लेकर के आया। मैंने बकायदा सेक्रेटरी के ऑफिस में मार्केट कमेटी के जा कर के लोगों से पता करवाया कि पूछ के आओ कितना कितना धान कौन कौन सी मंडी में खरीदा गया। अंबाड़ा की मंडी में एक दाना धान का अब तक नहीं खरीदा गया। आपके करनाल में 415 दुकान है मंडी के अंदर और दो दुकानों के ऊपर कल केवल 150 बैग धान के खरीदे गए, जबकि हजारों बैग जो है आज भी धान के पड़े हैं, ढेर लगा पड़ा है, मंडियाँ भरी पड़ी है। इसी तरीके से कुरुक्षेत्र की मंडी के अंदर 115 बैग वो भी सुधा जो MLA उसके भाई की दुकान से खरीदने का काम किया है, वहाँ तो उन्होंने ताला लगा दिया। उसके इलायदा कैथल का भी यही हाल है, कैथल में भी एक दाना नहीं खरीदा। आज सारे व्यापारी और सारे जो आपके किसान जो है, आड़ती भी, सेलर वाले भी और किसान भी, तीनों के तीनों आज स्ट्राइक पे हैं, सारी मंडियों के ताले। मध्यावधि चुनाव सरकार की केवल गलत पॉलिसी की वजह से आज इस किस्म के निर्णय लोगों को लेने पड़े। आपको लगता है बीच में चुनाव हो सकते हैं? चुनाव तो हो जाए तो इनको ऐसा सबक मिलेगा। बड़ौदा के अंदर आप देख रहे हो लगातार किस तरह से सरकार के नुमाइंदे जो हैं जाकर के लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं, वहीं आज उन लोगों को बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ता है, लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, तारीख होने के बाद लोग इनके जूतों की माड़ों से स्वागत करेंगे।